नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जुलाई महीना कैसा रहे, देखिए जो थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये हर साल एक राशि ही बदलता। इसके प्रिडिक्शन में जो मजबूती, जो बार बार जो प्रिडिक्शन में या लाइफ में चेंजेस होता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में होता है। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है नो रॉन्ग डिसीजन, विदेश यात्रा पॉसिबल है आपके लिए इस महीने में। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, देखिए 3 जून से 30 जून तक का जो टाइम था वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम था और वो दोस्तों के साथ आपने एंजॉय किया। 12 अप्रैल से 13 जून तक का जो टाइम था आपके लिए उसमें आपने बहुत सारा, 12 अप्रैल से 13 जून तक बहुत सारा झूठ आपने चलाया। अभी देखें 1 जुलाई से 24 अगस्त तक का जो टाइम है और उसमें भी 14 जून से 15 अगस्त तक का जो टाइम है ये झूठ का कीमत चुकाना पड़ेगा, ऐसा टाइम भी रिमेम्बर। जो माया आपने रचा है, जो झूठ आपने बोल बोल के 12 अप्रैल से 13 जून तक काफी झूठ बोला आपने, अपनी जगह पे आप खुद अपने आप को रिवाइज करिएगा, मेरे को क्वेश्चन पूछने से ज्यादा अच्छा। 3 जून से 30 जून तक में आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर भी आया है झूठ बोलने की वजह से। अब ये झूठ का कीमत चुकाना पड़ेगा आपको 1 जुलाई से 24 अगस्त में। इन शॉर्ट देखिए मैं इस साल अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में गुरु महाराज की आपके चतुर संत और पूर्ण कृपा है। घर के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं ओल्ड एज को प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम है, घर को प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम है। बस आपके हाथ में बहुत सारा पैसा भी आया है, वो पैसा काफी, देखिए 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक एक बहुत बड़ा फिगर भी आपके हाथ में, मैंने जो बोला आपको कि 30 जून तक बहुत बड़ा फिगर भी आपके हाथ में आया 3 जून से 30 जून तक। अब ये पैसा प्रॉपर्टी के मामले का भी हो सकता है और ये प्रॉपर्टी हाथ में रहेगा नहीं आपका। आप कहीं ना कहीं थोड़े केयरफुल रहिएगा, मैंने आपको रॉन्ग डिसीजन से बचने के लिए बोला है नो रॉन्ग डिसीजन, और पर्टिकुलरली देखिए प्रॉपर्टी के मामले में भी हो सकता है और ये मामला ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो काम धंधा करते हैं नौकरी करते हैं वह 1 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके पीठ के पीछे, मतलब आपके बैक स्टैपिंग होगा, यानी कि पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा, कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बट ये समय 1 जुलाई से 24 अगस्त तक का समय उनके लिए अच्छा है जो लोग झूठ नहीं बोला है। 3 जून से 30 जून में अगर आप झूठ नहीं बोले और आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो उसका धर्म का रास्ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ज्यादातर सेजिटेरियस को धर्म के रास्ते पर ही चलते देखता हूँ, बट 1 जुलाई से 24 अगस्त तक काफी, अगर जो कोई ध्यान योग समाधि आध्यात्म इससे आप लोग ज्यादातर उसी से जुड़े होते हैं और ये समय आपको लोनलीनेस में कर देगा, अकेला कर देगा। 1 जुलाई से 24 अगस्त तक काफी लोनलीनेस को फेस करेंगे, हो सकता है जो धारा बहती है उस धारा के साथ आप बह भी ना पाओ, क्योंकि ये जो धारा बहने की बात बोला मैंने, आप इस बात को समझो एक दिन का रास्ता है दुनिया का रास्ता है, दुनियादारी का रास्ते में दूसरे का गला दबाना, चीटिंग करना, कैसे भी अपना पेट भरना, और दिन का रास्ता है जो ईश्वर का रास्ता है। दिन और दुनियादारी इसमें फर्क है, दिन का रास्ते पे अगर आप चलते हो और नहीं चलते हो तो भी ये महीना आपको चलवा देगा, वो 1 जुलाई से 24 अगस्त तक आपको ईश्वर का आध्यात्म का राह पकड़ना पड़ेगा, ऐसा टाइम। अभी इस पिक्चर को देखते हैं आपका, मैंने बोला कि नो रॉन्ग डिसीजन, अभी इसमें केयरफुल रहने का तारीख जो है मैंने 8 दिन लिखा है आपको, ये 8 दिन को आप कहीं ना कहीं नोट करके रखो। इसमें सामने से चल के मुसीबत गले नहीं लीजिएगा, आपके पीठ के पीछे 100% बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। हो सकता है कि कोई भी वजह से गैर कानूनी काम अगर आपने किया हो समझे इस वक्त में ये आपको फंसा देगा किसी भी तरीके से। हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस जाओ, ऐसा भी हो सकता है। अगर विवाह किया और मैरिज अगर आपका पेंडिंग रखा हो एंगेजमेंट तो वो भी टूट सकता है। कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है बात अलग है, सामने से चल के पुलिस स्टेशन के चक्कर में भी नहीं पड़िएगा, मतलब ये बहुत बड़ी झमेले में आप 1/7 से 24/8 में फंसने वाले, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो इस चीज के लिए। और आप जहां नौकरी करते हैं वहां भी आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र चलने लग जाएगा, ये अंदाजा आपको
एक जुलाई से आना शुरू हो जाएगा। 3 जून से 30 जून तक हाथ में आंकड़े बड़े मजबूत रहे आपके, दोस्तों के साथ आपने एंजॉय भी मजे से कर लिया 1 जून से 30 जून में, मतलब जून महीना आपके लिए बहुत अच्छा था, बट जुलाई बेकार है, ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेते हो तो इसमें आप उनको पूछो जो आपके घर के करीबी करीब लोग हैं, जिस पर आपको भरोसा है, उन दोस्तों को पूछो जिसके साथ आपने 30 जून तक बहुत मजा किया, उनको पूछो। आप बिना मित्र को पूछे बगैर अगर कोई डिसीजन लेते हो तो परेशान हो जाओगे। हाँ, विदेश यात्रा का मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि ये टाइम में आपको 1 जुलाई से 24 अगस्त तक लोनलीनेस में रहने का टाइम, मतलब कहीं संन्यास जैसा टाइम है, ध्यान योग समाधि सीखते हो तो बेस्ट टाइम से आप गुजरेंगे। जॉब के लिए देखिए 20 और 21 जुलाई बेस्ट है। अब मैं कभी कभी पढ़ता हूँ किसी किसी की कमेंट में, आई एम जॉबलेस सिंस लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स लिखते हैं लोग। अब 3-4 साल तक अगर कोई बेरोजगार रहता है तो उसको ज्योतिष तो नहीं बोल सकता, ये बात समझ लो, क्योंकि ज्योतिष का जो कैपेसिटी है ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल का शनि का कैपेसिटी है। जो 2.5 साल से ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयड है किसी भी तरीके से, तो ये बात हवे में, लोगों को मैं 4-4 साल का टाइम लिखते हुए देखता हूँ कमेंट बॉक्स में, पता नहीं कैसे लिख देते हो लोग। तो जॉब के लिए मैं 20 और 21 जुलाई बेस्ट बोलता हूँ अगर आप जॉबलेस है काम धंधे के लिए। ऐसा तो देखिए मैंने मेजर डिसीजन लेने को, अगर आपको जॉब चेंज मिलता है थोड़ा सोच के जंप करिएगा इस महीने में, हो सके तो उसका अनाउंसमेंट भी मत करिए, नहीं करिएगा 24 अगस्त तक 1 जुलाई से, कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं, नौकरी में अपनी क्षमता से हिसाब से काम करिएगा। 20 और 21 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, आप जहाँ नौकरी करते हैं ये सलामत रखेगा, ये गुरु रखेगा, हाथ में गुरु का स्टोन पहना होगा तो बहुत अच्छा है, गले में अगर पहनते हो तो केले का जाड़ का जड़ काट के वो भी गले में पहन सकते हो, गुरु अच्छा है। लग्नेश चतुर्थ में घर का मामला, ओल्ड एज का मामला सॉल्व हो सकता है, बहुत बड़ा अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने का होगा तो होशियारी से कर नहीं दीजिएगा, कम से कम 1 जुलाई से 24 अगस्त तक वो डॉक्यूमेंट किसी को बता के करिएगा, आपको जिस पर भरोसा है उसको। बिजनेस के लिए यस अच्छा टाइम है, कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं। हेल्थ के लिए 23 और 24 केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हेल्थ के लिए वृषभ राशि का चंद्र होगा 23 और 24 को वृषभ राशि का चंद्र है, यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ, वृषभ राशि का चंद्र है। स्टूडेंट को मंगल राहु का 5th हाउस में, लव हाउस में युति हुआ है, यानी कि बच्चों के साथ का विवाद टालिएगा। देखिए ऐसे ग्रह की पोजीशन देखिए, बुध भी अपने घर में, गुरु अपने घर में, हंसयोग बना है, शुक्र अपने घर में, मंगल अपने घर में, शनि अपने घर में, बहुत अच्छी पोजीशन बनी है, लेकिन ये सब मंगल राहु का युति संतान सामने सब पानी फेरा हुआ चीज दिखाई दे रहा है सब चारों तरफ। काम धंधा अच्छा चलेगा, स्पाउस का दादागिरी आप पर बढ़ेगा, पति या पत्नी की दादागिरी भी आप पर बढ़ेगी। स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, विष्णु सप्तम करना है, आपके 5th हाउस में राहु आया है, राहु माने माया, राहु माने राक्षस, ये माया फैलाता है, झूठ बोलता है, यानी कि एजुकेशन हाउस में ये राहु है। विष्णु सप्तम करिएगा, विष्णु का नाम कोई भी चैंट कर सकते हो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, ओम नमो नारायण, हरे कृष्ण, भगवान विष्णु के कोई भी नाम जो आपको अच्छे लगते हैं उसको चैंट करिएगा स्टूडेंट के लिए। खास बात, आने वाला 1.5 साल तक आपके बुद्धि स्थान में April 2022 से October 2023 तक ये राहु आपके 5th हाउस में रहेगा, जो एक्सपेक्ट किया वो परसेंटेज आपको मिलेगा नहीं, और एजुकेशन बीच में छोड़ने का मन भी हो जाएगा आपको, कि बहुत पढ़ लिया, पढ़ने से थोड़ी आदमी आगे जाता है, मन कहीं ना कहीं इजी रास्ता ढूंढता है, तो सेफ जोन में जाने की कोशिश करेगा मन, वो केयरफुल रहिएगा, विष्णु सर का नाम करिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 26 जुलाई मैंने बेस्ट बोला है, क्योंकि मिथुन राशि में चंद्र शुक्र का युति हो रहा है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चंद्र शुक्र का युति, देखिए शुक्र यहाँ बढ़ के यहाँ आ रहा है 7th हाउस में, चंद्र शुक्र का युति हो रहा है 26 जुलाई को, तो आप अगर जो किसी को प्रपोज करना चाहते हो, सितारे ऐसे बहुत तारीफ वाले हैं ऐसी बात नहीं है, बट 26 जुलाई विल बी द रोमेंटिक डे, प्रपोज करने के लिए एक अच्छा दिन। विवाह के लिए मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़े चांस से गुजर रहे हैं, सप्तम में है, लेकिन बुध से कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट के लिए 100% नो है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नो है
क्योंकि राहु के साथ मंगल भी, अगर आपके पास कहीं प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेचने से पैसा भी आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ मैं वो भी देख रहा हूँ, बट रॉन्ग डिसीजन है आप याद ध्यान रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग हो सकता है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये समय नहीं है। बिजनेस करते हो गए बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा, नो प्रॉब्लम। आप जो बिजनेस, शेयर बाजार जो है हाथी पे बैठने का काम, हाथी को तो लगाम होता नहीं। हाँ, शेयर बाजार पे बैठने वाले आदमी के लिए, इसके लिए मैंने बोला आप अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ओके, बट शेयर मार्केट नो, शेयर मार्केट हाथी पे बैठने का काम, वो हाथी आपकी मर्जी से ना चलता ना बैठेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। अभी इस महीने को एक बात और, इस महीने में 28 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है और उस दिन अमावस्या भी। लोग गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, ये थर्सडे है, पूरा दिन रहता है ये नक्षत्र 28 जुलाई, इस दिन लोग कोई चीज खरीदता है। देखो इसको विवाह में ये नक्षत्र को, पुष्य को बैन माना जाता है, इसके लिए क्योंकि शनि चंद्र का विषयोग होता है। ये चंद्र का घर है पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि चंद्र का घर और शनि इसका ओनर है, मतलब इसमें विषयोग बन जाता है। इसके लिए विवाह के लिए इस नक्षत्र को हमेशा, पुष्य नक्षत्र को टाल दिया जाता है। 28 जुलाई पूरा दिन कोई भी पीला कलर का चीज लोग खरीदने के लिए सजेशन करते हैं, बट इस बार अमावस्या है इसके लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करूंगा, इसको मैं इसकी तारीख में और कुछ नहीं बोलूंगा। इस महीने में देखिए श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। अब आप रिलीजियस ज्यादा है, सेजिटेरियस धनु लग्न ज्यादा रिलीजियस है, फिजिकल स्ट्रक्चर बड़ा, फोरहेड बहुत बड़ा। इस महीने में जो हमारे महाराष्ट्र के बाजू है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनका 29 जुलाई से श्रावण महीना शुरू होगा। और जो ऊपर है नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ये 14 जुलाई से, 15 दिन का ये फासला है, 14 जुलाई से 11 अगस्त तक ये लोग करेंगे श्रावण महीना। अभी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये पूरा महीना चलेगा श्रावण महीना, और इसमें हम शिव उपासना करते हैं ज़्यादातर, हर मंडे को जाके भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, पानी से प्रसन्न हो जाए ऐसा एक ही देवता है भोलानाथ। और ये पानी अभिषेक में पानी क्यों चढ़ाते हैं हम लोग, कि शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के वक्त जो जहर निकला था, पहले जहर ही निकलता है, अगर आप कोई भी मंथन करो, अपने मन का मंथन करो तो भी उसका वही नतीजा है, और वही नतीजा समुद्र मंथन में आया था, तो जो जहर निकला वो भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने पिया, उसके बाद उनके शहर में से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, और ये जलाभिषेक इसके लिए हम करते हैं, तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम थैंक्स करते हैं भगवान को। 14 जुलाई से 11 अगस्त और हमारे लिए 29 जुलाई से 27 अगस्त महाराष्ट्र के, ये श्रावण महीना 15 दिन का गैप, ये सब डिबेट करने का विषय है विद्वानों के लिए, हमारे और आपके लिए ये विषय डिबेट करने का नहीं, श्रद्धा का विषय। अभी इस महीने में मैंने आपको बताया कि 10 जुलाई से देवशयनी देवपुरी एकादशी, पंढरपुर में हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इसका जत्रा होता है, बहुत दर्शन के लिए बहुत रश होता है इस दिन 10 जुलाई। इस दिन के बाद हम ईश्वर सो गए ऐसा बिलीव करते हैं, और 4 महीना हम हरेक शुभ कार्य पृथ्वी पर रुका दे, यानी कि विवाह जैसे कार्य भी हम देवशयनी एकादशी से, देवपुरी एकादशी से, देव जब तक उठते हैं तब तक हम रुका के रखते हैं। तो ये चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है इस तारीख से 10 जुलाई से, यानी कि साधु संत अपने जगहों पर, जैनिज्म में ज्यादा बिलीफ है ये चातुर्मास, लोग रुक जाते हैं उनके जो संत है, साधु संत है। ऐसे तो साधु चलता ही भला, क्योंकि आप जहां भी रुक जाओगे जगह से प्यार हो जाएगा आपको, इसके लिए चातुर्मास में 4 महीना बारिश के दिन है, रुका ही दिया जाता है। बाकी इस महीने में 3 जुलाई और 16 जुलाई चतुर्थी, जो गणेश उपासना करते हैं उनके लिए ये तारीख का बड़ा महत्व है चतुर्थी का, 16 जुलाई संकष्टी है, प्रदोष है 11 जुलाई और 25 जुलाई का, सोम प्रदोष है। देखिए मानसिक तकलीफ किसी को रहता है, बहुत टेंशन आता है, उनको प्रदोष का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। तो ये महीने में 11 जुलाई और 25 जुलाई प्रदोष है, इसको नोट करके रखिएगा। इस महीने में बहुत अच्छी चीज है, 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, और आप सब गुरु के चेले हैं, सब गुरु के चेले, आप लोगों को गुरु पर बहुत जबरदस्त श्रद्धा होती है। मैंने बहुत कम धनु लग्न वालों को देखा है जिनको ईश्वर पे श्रद्धा है। यू आर द वेरी फेवरेट पीपल पर्सन फॉर द गॉड, आध्यात्म के लिए आप बहुत प्रिय लोग हैं। 13 जुलाई को
आप लोग गुरु से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पर्सनली मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन आप श्रद्धा से यथाशक्ति आप गुरु को गिफ्ट देते हैं, ये अपना हिंदुस्तानी रिवाज है। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का जो टाइम है श्रावण महीना है भगवान शिव को, और ये गुरु को व्यक्त करने का टाइम है 13 जुलाई। तो ये है अबाउट लेखा जोखा इस महीने का आपका। मैंने आपको इस महीने में सावधान रहने के लिए बोला है, 1 जुलाई से 24 अगस्त कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले बिना एडवाइस के करोगे तो बेवकूफ बन जाओगे। कोई ना कोई किसी को कोई बहुत बड़ी मीटिंग में जाओगे तो 1 जुलाई से 24 अगस्त टालिएगा हो सके तो, नहीं तो बहुत बड़ा वरदान दे दोगे और फंस जाओगे, ये भी पॉसिबल। और 1 जुलाई से 24 अगस्त में जो आपको मैंने जो बोला था कि 12 अप्रैल से 13 जून तक आपने काफी झूठ चलाया, काफी झूठ चलाया, बिंदास चलाया, और वो झूठ आपका चला भी, आप बहुत खुश हुए 12 अप्रैल से 13 जून में, उसकी कीमत चुकाने का ये टाइम है। 14 जून से 15 अगस्त तक का जो टाइम है, 14 जून से 15 अगस्त तक का टाइम, ये आपको हॉस्पिटल ना ले जाए तो भगवान का उपकार समझिए। अब आप लोग बाद में मेरे को बोलोगे कि जोशी जी आप डराते हो, देखिए इसका उपाय भी अगर मैं बोलता हूँ कि राहु का उपाय करिएगा। राहु का उपाय मतलब देखिए जो यहाँ अमावस है, अमावस के दिन आपके सोसाइटी में जो स्वीपर आता है उसको कुछ ना कुछ यथाशक्ति गिफ्ट करो, या किसी फूड पैकेट किसी ब्राह्मण को दे दो, या तो शिव मंदिर में रख के आओ, ये 28 जुलाई को। और अगर हो सके देखिए राहु का जो मंत्र है अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभुतम तम राहु, ये मंत्र सुबह 3 से 5 में अगर कर सकते हो तो उसका अनुष्ठान करो तो आप इसमें से निकल सकोगे। आपको अगर अनुभव होगा, जैसे ही अनुभव होगा वैसे ही शुरू कर दोगे तो भी चलेगा। मैं आपको डेंजर जोन में जो जाते हुए देख रहा हूं 1 जुलाई से 24 अगस्त तक, और उसमें 15 अगस्त तक 14 जून से 15 अगस्त तक कोई ना कोई आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स में फंसा सकता है, ये बात ठीक तरह से नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।